नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का ऑफर से बहुत दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप एक यूट्यूबर हो, आप भी वीडियोस बनाकर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो और आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा वरदान साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मात्र एक महीने के अंदर 3000 सब्सक्राइबर, यानी कि एवरेज अगर हम बात करें तो रोजाना का पर डे का आप 100 सब्सक्राइबर अपने चैनल के ऊपर किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी जरूर बताना चाहूंगा। अगर आपको अपने YouTube चैनल को प्रमोट कराना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको Instagram का लिंक दिया जा रहा है। Instagram के माध्यम से आप अपनी चैनल की इन्फॉर्मेशन हमारे तक भेज सकते हो, ताकि हम हमारे अगले वीडियो के अंदर आपके चैनल को प्रमोट कर सके, जिससे आपके वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती रहे और आपका चैनल भी दिन प्रतिदिन ग्रो होता चला जाए। तो हम बात कर रहे थे कि हम हमारे YouTube चैनल के अंदर किस प्रकार से बदलाव करें कि हम हमारे पर डे के 100 सब्सक्राइबर हमारे चैनल के ऊपर इजीली प्राप्त करते चले जाए और एक महीने के अंदर हम हमारे चैनल के ऊपर हमारे 3000 सब्सक्राइबर बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा कोई जी तोड़ मेहनत आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको नॉर्मली जिस प्रकार से आप अपने वीडियोज अपलोड कर रहे हो, उसी प्रकार से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटिन्यूटी बनाकर अपने वीडियोज को रेगुलर अपलोड करना है। और जो छोटा मोटा जो बदलाव आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपके लिए काफी ज्यादा वरदान साबित होने वाला है। तो सबसे पहला जो बदलाव आपको करना है वो अपने टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना है। जी हां दोस्तों, यानी कि आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने होंगे जिस टॉपिक के ऊपर आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है, यानी कि जिस टॉपिक के ऊपर आप सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हो, आपको सबसे ज्यादा जानकारी है। कोशिश यही कीजिए कि उसके ऊपर आप वीडियोस बनाइए, ताकि आप अपने प्रत्येक वीडियोस के अंदर बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे सको और अपने वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को बिल्कुल से ज्यादा खींचकर ला सको। तो कोशिश अपने टॉपिक के ऊपर ध्यान दीजिए, जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप बेहतर तरीके से बता सको, उसके ऊपर ही वीडियोस बनाने की कोशिश करिए। और दूसरा पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो साइज को आपको मेंटेन करके रखना है। अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो कोशिश यही कीजिए कि आपका जो वीडियोज की साइज है वो 2 मिनट या 3 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा छोटा वीडियोज आप बनाओगे, उतना ज्यादा ही आपके वीडियोज का ऑडियंस रिटेंशन हाई रहेगा। और आपका वीडियोज का ऑडियंस रिटेंशन अगर 40% या 40% से अधिक रहता है तो डेफिनेट आपका वीडियो ऑटोमेटिकली वायरल होता चला जाएगा। YouTube भी आपके वीडियोस को रिकमेंड करेगा, YouTube भी आपके वीडियोस को सजेशन लिस्ट पर डालता चला जाएगा और YouTube भी आपके वीडियोस को बार बार वायरल करता चला जाएगा। तो कोशिश यही कीजिए कि 2 मिनट या 3 मिनट से अधिक आपकी वीडियोस की साइज नहीं रहनी चाहिए। जब तक आपका YouTube चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक आपको अपने वीडियोस की साइज को मेंटेन कर चलना है। और तीसरी बात की अगर हम बात करें, तीसरे बदलाव की अगर हम बात करें, तो हमारी क्वालिटी को हमें ध्यान में रखकर हमारे सारे की सारी वीडियोज हमें बनाने हैं। यानी कि ऑडियो क्वालिटी भी हमारी बेस्ट हो, वीडियो क्वालिटी भी हमारी बेस्ट हो, साथ ही साथ सिंपल लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करिए अपने प्रत्येक वीडियोज के अंदर, जो कि सभी वर्ग के लोगों को इजीली समझ में आ सके। तो क्वालिटी के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना होगा। और चौथे बदलाव की अगर हम बात करें तो टाइटल और टैग। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो भी वीडियोज आप बना रहे हो उसका टाइटल आपको सर्चेबल रखना है, जो कि बार बार हमारे सोशल मीडिया के ऊपर सर्च किया जाता हो, गूगल के ऊपर सर्च किया जाता हो, जिससे हमारा वीडियोज बार बार रैंक करता चला जाए और टॉप सर्च में हमारा वीडियोज आता चला जाए। इसी प्रकार से आपको कुछ मिलते जुलते हैशटैग आपको लगा देने हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस समय हमारा हैशटैग का जमाना चल रहा है। आप उस वीडियो से रिलेटेड कुछ हैशटैग अपने वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, अपने टैग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। 5 से 7 हैशटैग आप यूज कर सकते हो, जिससे आपका वीडियोस रैंक करेगा और आपके वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती चली जाएगी। और पांचवें बदलाव की अगर हम बात करें तो हमारा सबसे ज्यादा अहम भूमिका हमारा निभाता है हमारे वीडियोज का थंबनेल। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने प्रत्येक वीडियोस का थंबनेल थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना होगा, थोड़ा सा अलग हटकर आपको बनाना होगा, जो कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को खींचकर आपके वीडियोस के ऊपर लाता चला जाए और मजबूर कर दे आपके वीडियोस को ओपन करने पे। और जितनी ज्यादा ऑडियंस आपके वीडियोस के ऊपर आती चली जाएगी, उतना ज्यादा ही आपका चैनल ग्रो होता चला जाएगा। और जिन ऑडियंस को आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती चली जाएगी, वो वीडियोस को लाइक भी करेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे 5 बदलाव कर आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रोजाना के 100 सब्सक्राइबर इजिली बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो। और अगर पूरे महीने की बात करें तो 30 दिन के अंदर आप 3000 सब्सक्राइबर अपने YouTube चैनल के ऊपर इजीली कंप्लीट कर सकते हो।
जी हाँ दोस्तों, यानी कि 30 दिन तक आप ये तरकीब आजमा कर रखिए और आपको डेफिनेट इससे काफी ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी का YouTube चैनल का क्राइटेरिया जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और आप भी YouTube से ज्यादा पैसा कमा सको। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।